बनू उमैया में एक ऐसा सरताज गुजरा है जिनको उमर सानी कहा गया है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज। 101, 102, 103 या 104 में इंतकाल कर गया है और उम्मत मुस्लिमा के फुकहा और मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि ये पहला मुजद्दिद है इस उम्मत का, जो आपने कहा हर 100 साल बाद एक मुजद्दिद आएगा जो दीन को नए सिरे से पेश करेगा और जो कमी कोताहिया है वो ठीक करेगा। मस्जिद में कंघी करना हराम नाजायज है, कंघी अपने जेब में डालो, घर जाके अपने अंदर कंघी मारो। घर मस्जिद इस काम के लिए नहीं होती कि तू वहां खड़े होकर कंघियां मार रहा है, कुछ शर्म और हया करो। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया अचानक याद आया कि वो उनके जमाने में एक चरवाहे ने देखा कि एक भेड़िया, वैसे भेड़ बकरियों के साथ चरता था, घाट पर भेड़ बकरियां पानी पी रही है और एक भेड़िए ने एक भेड़ को पकड़ लिया। चरवाहे ने बहुत कोशिश की लेकिन वो घसीटता हुआ ले गया, तो उस चरवाहे ने अफसोस किया, मुहाजरात में है, और बहुत दुख भरा फरियाद किया और उसने कहा माता अमीरुल मोमिनीन अलिया औ ज़लावा, अमीरुल मोमिनीन आज या मर चुका है या वो जुल्म का मुर्तकिब हुआ है। रियाया के अंदर बगावत शुरू हो गई। ये भेड़िया मेरी भेड़ों में कई साल से चल रहा था, कभी किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाया। चुनांचे वो वक्त वो लम्हा देखा गया तो उमर इब्न अब्दुल अजीज का विसाल हो गया था। तो आप और कोई दहशत वहशत क्या सीधा करेंगे, कम अज कम अपनी इसलाह कर ले, वो भी और हम भी और मुसलमान। अल्लाह हमें गुनाहों से जुल्म सितम से हिफाजत व अमान नसीब फरमाए। वाखिर दुआ।